हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां से बात करते हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ हिंदी डबेड और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। தாவுண்டு தான் வேலை உண்டுன்னு இருக்க ஒருத்தனோட சமநிலை தவறுனா அவனோட கோபம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுவேன். तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ, सलमान खान अपने आइकॉनिक कैरेक्टर चुलबुल पांडे के किरदार में वापस नजर आएंगे। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? खबर ये है कि दबंग 4 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। जी हाँ, दबंग 4 की कहानी जाने माने फिल्म मेकर तिग्मांशु धुलिया लिख रहे हैं और लगभग वही इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे। तिग्मांशु धुलिया ने कई नामी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जैसे कि पान सिंह तोमर और साहेब बीवी और गैंगस्टर। उसके अलावा उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में एक्टिंग भी की है, एक तरह से आप उन्हें ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। तो तिग्मांशु धुलिया दबंग 4 की कहानी लिख रहे हैं और बहुत जल्द इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होने वाली है। अभी सलमान खान ने अपने जन्मदिन पर कई फिल्मों के सीक्वल को अनाउंस किया था, तो अब इस लिस्ट में दबंग सीरीज की अगली फिल्म भी शामिल हो गई है। देखते हैं फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक की जाती है। और विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड फिल्म लाइगर का पहला ग्लिम्स रिलीज कर दिया गया है। 53 सेकंड का ये वीडियो फिल्म के बारे में काफी कुछ बताता है, जैसे कि ये फिल्म एक बॉक्सर की जर्नी दिखाएगी कि कैसे मुंबई की गलियों में रहने वाला एक लड़का बॉक्सिंग की दुनिया का चैंपियन बनता है। फिल्म में लाइगर की पूरी जर्नी दिखाई जाएगी। चाय वाला शब्द के अलावा अगर किसी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है तो वो है विजय देवरकोंडा। इस छोटे से टीजर में जिस तरह से विजय देवरकोंडा का लुक दिखाया गया है, खास करके ये वाला, इस सीन को देखकर लगता है कि हाँ, फिल्म में विजय देवरकोंडा ने काफी मेहनत की है। तो झलक काफी गजब का दिखाया गया है, देखते हैं ट्रेलर में क्या दिखाया जाता है। ये फिल्म अगस्त 2022 में रिलीज होगी। साथ ही अजित कुमार की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म वली माई का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। टीजर की तरह वली माई का ट्रेलर भी एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। अब जैसा कि कहा गया है कि ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होगी, तो काफी सारे हिंदी डब फैंस फिल्म के हिंदी ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। तो वली माई का हिंदी ट्रेलर 6 या 7 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, फिल्म के रिलीज के एक हफ्ते पहले फिल्म का हिंदी ट्रेलर आ सकता है। कल 1 जनवरी 2022 को विशाल की एक नई फिल्म अनाउंस की जाएगी। ये विशाल की 33वीं फिल्म होगी, जिसे दबंग 3 के राइटर अधिक रविचंद्रन डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, देखते हैं कल फिल्म से जुड़ी और कौन कौन सी अपडेट सामने आती है। सैफ अली खान ने विक्रम वेधा रीमेक के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग लखनऊ में कंप्लीट कर ली है। कुछ दिनों पहले ऋतिक रोशन ने अबू धाबी में फिल्म के पहले शेड्यूल को कंप्लीट किया था, तो ऋतिक रोशन के साथ अब सैफ अली खान ने भी फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। देखते हैं फिल्म से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है। और थ्रिलर ड्रामा सीरीज स्नो पियर्सर का तीसरा सीजन आने वाला है। तीसरे सीजन का पहला एपिसोड यूएसए में 24 जनवरी को प्रीमियर होगा, वहीं अपने यहाँ ये सीरीज 25 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर आना स्टार्ट हो जाएगी। पिछले दोनों सीजन काफी जबरदस्त गए हैं, तो देखते हैं कि इस तीसरे सीजन में क्या कुछ दिखाया जाता है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई, पुष्पा फिल्म ने KGF चैप्टर 1 को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हिंदी डब में पुष्पा फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। जहाँ KGF चैप्टर 1 ने हिंदी डब में 44 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं पुष्पा फिल्म ने दूसरे वीक में ही 47 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और बहुत ही आराम से ये फिल्म इस वीकेंड 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। तो पुष्पा फिल्म ने हिंदी डब में काफी बेहतरीन कमाई की है। अब ज्यादा कलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन 60 करोड़ तक तो पहुंचनी ही चाहिए। देखते हैं पुष्पा फिल्म का फाइनल हिंदी डब कलेक्शन कितना होता है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीक तक लगभग 190 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ये फिल्म भी आराम से 200 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही लेगी। अब बात करेंगे रणवीर सिंह की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म 83 के बारे में। तो इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में इंडिया में लगभग 72 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 83 ने लगभग 120 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो 83 भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक जा रही है। देखते हैं फिल्म का फाइनल कलेक्शन कितना होता है। आपको इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।